Welcome to my channel, Best English Grammar Classes. As all you know, we have started adjectives or degrees. So according to that, I have done two paragraphs. One is word giving and you fill the degree of it. And the second one, three options are given. You have to select the correct one and fill in the blank. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। जैसे हमारी श्रृंखला चल रही है एडजेक्टिव या डिग्री की, कल मैंने लिए थे दो पैराग्राफ, उसमें एक वर्ड दिया हुआ था जिसको डिग्री के हिसाब से हमने फिल करना है, और दूसरे में था ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से एक जो ठीक है उसको डालना था। आज उसी के साथ के मैं दो और टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि जिनको कल थोड़ी बहुत समझ नहीं आई, किसी में कमी रह गई हो, तो आप दोबारा वो देखेंगे सुनेंगे तो उनको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ, ये प्रैक्टिकल टाइप पे है, आप जितना इसको करोगे, जितना इसको समझोगे, उतनी जल्दी आपको समझ आएगी। अगर मैं रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से कराती जाऊँगी तो आपको पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ एक कहने की बातें होती, मेन तो प्रैक्टिकल होता है, जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसी से होता है। सो आज हम जो ये दो टॉपिक करेंगे ध्यान से देखिएगा। सो आई हैव डन टू पैराग्राफ्स। One is option given to fill it up, and second one is three options are given. You have to select the correct one. Today, same thing I am going to do. Two paragraphs I have taken only for those. It is a work of practice. As much as you will do the practice, you will know how to do it. Only the theory is not available. If you can just mark up the theory, then you won't be able to do it what you want to do. So instead of mugging it up, just try to do the exercises and try to do to solve the problems, then it will be easier for you to learn. So today again I have taken two paragraphs. So let's start the work today. First one, fill with correct degree of adjective, which is the correct one you have to fill. Just we have done the same thing again this today. The next paragraph I have taken over here, it is one of the important matters in our life. Now the is given, important is given. I told you where there is the, what we will do, most important matters in our life. हाँ जी, हमारा आज पहला पैराग्राफ शुरू करेंगे, जैसे हमने कल किया था उसी के साथ का आज भी है, आप ध्यान से देखिएगा। I is one of the dash important matters in our life. आपको बोला कुछ नहीं समझ, तो ये देखो कि फिल अप से पहले क्या है, फिलहाल ये है, इसके पहले क्या था, द के साथ हम क्या है तीसरी डिग्री लगा देंगे। तीसरी डिग्री में हम क्या है, इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसके आगे हमें मोस्ट लगाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर्स इन आवर लाइफ। ये हमारे जीवन का एक बहुत ही कीमती जो है धातु है। इट इज डैश ब्लैक इन कलर, अब देखिए इट इज खाली एक की बात रही है, वो किस रंग का है, काला, तो उसके आगे हम कह रहे हैं सिर्फ ब्लैक ही आ जाएगा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं आएगा। सेकंड लाइन, इट इज डैश ब्लैक इन कलर, नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट ओनली द आयरन, व्हाट इज इट कलर, इट्स कलर इज ब्लैक, सो वी विल पुट द ब्लैक वन ओवर हियर, नथिंग एल्स वी विल ऐड टू इट। नेक्स्ट, इट इज मच चीप देन कॉपर और सिल्वर, नाउ इट इज चीप देन इज कम, सो वी विल पुट द second degree over here, what will be much cheaper, the same will come, much cheaper than copper or silver, it is comparison, so compare with then there, so we will put cheaper. हाँ जी, अगले देखिए, it is much cheaper here than copper or silver. अब कॉपर और सिल्वर से वो क्या है, देन बीच में आ गया, देन आने से हम कौन सी डिग्री लगाएंगे, दूसरी में हम क्या है, मच दिया हुआ है तो चीपर ही आ गया, मच चीपर देन कॉपर और सिल्वर, बट दे आर नॉट एज यूजफुल एज आयरन। अब उसने क्या कहा है कि ये जो है सिल्वर है या कॉपर है, ये वो आयरन की तरह, लोहे की तरह ज्यादा इसकी काम नहीं आते, तो इसमें कुछ भी नहीं है, किससे उन्होंने तुलना किया, आयरन एक ही है, तो इसमें यही आ गया, एज नॉट useful as iron. Now look at this line, they are not as useful as iron, because they are talking about the iron, it is the only one thing, so we will put just useful, it is not, they are not as useful as iron, they compare it with the iron, so we are going to put useful. Thus it is the, again the is given over there, useful of all matters, what will we do most,
यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स। हाँ जी लास्ट में देखें thus it is the दिया हुआ है, useful है of all the metals, the आ गया useful, तो इसमें हम क्या लाएंगे तीसरी डिग्री आ गई, इसके साथ आएगा most useful of all metals। तो ये था, कल भी हमने किया था, आज दोबारा उसी के टाइप का करवा रही हूँ, थोड़ी बहुत जो कमी पेशी है आज आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से सिंपल आसान से आसान तरीका लगा, मेरे को पढ़ाती को 45 साल हो गए हैं, मेरे को मालूम है बच्चे किस लेवल तक होते हैं, उनको कैसी भाषा में जल्दी समझ आती है, उसी भाषा में जैसे मैं अपने घर में पढ़ाती हूँ बच्चों को, सेम उसी तरह से मैं आप सबको कराने की कोशिश करूँ कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए किसी चीज़ को समझने में। मेन मेन चीज़ें हैं जिसको दिक्कत हम कर सकते हैं, मैं वो तरीके आपको बता रही हूँ। Now this is the paragraph we have done yesterday also, we are doing again today. I think it is the most simplest way in which I am teaching you, because I am teaching for the last 45 years and I know what the problems have to face the children. They are not in that mood to learn the what they are giving, they don't want to mug up even. So just to take that thing seriously, in which method I am teaching you, the same method I used to teach for the last 45 years. So I know what difficulties are facing you. So to remove that difficulties, I am giving you the simplest way to learn to do the things in easy way. Next one, three options are given. You have to choose the best one and you have to fail. More, most, much. Parents, especially those who are illiterate and dash, poor, consider boys important, more important, most important than girls. This is another 2 to 3 lines over there. No full stop, nothing. So first of all, parents. So what will we do? Parents, especially those who are illiterate and poor. Most parents, especially those who are illiterate and poor. Consider boys. Now then here comes, what will we get? Consider boys more important than girls. So you have to like do like that. Anji, dekhiye most, more, most, much. Parents, especially that those who are illiterate and poor. Consider boys dash important, more important, most important than girls. अब इसमें क्या है, ये तीन लाइनों की आपकी, ये थोड़ा सा लंबा हो गया सेंटेंस, तो इसमें कोई फुल स्टॉप नहीं, कुछ नहीं है। तो ये जो बात करें वो क्या है कि ज्यादातर माता पिता जो होते हैं, जो अनपढ़ भी होते हैं और साथ में गरीब भी होते हैं, वो क्या करते हैं, लड़कों को ज्यादा अच्छा मानते हैं, उनको ज्यादा महत्व देते हैं, लड़कियों से बेहतर मानते हैं उनको, तो उसके हिसाब से। तो हम यहाँ पे लिए मोर मोस्ट मच अनकाउंटेबल कर लिया है, तो मोस्ट आएगा, मोस्ट पेरेंट्स, ज्यादातर माता पिता, especially those who are illiterate, ज्यादा करके कौन, वो माता पिता जो अनपढ़ है, and poor, और जो गरीब होते हैं, consider boys, वो लड़कों को ज्यादा क्या कहते हैं, महत्व देते हैं। then आ गया बीच में, then girls के लिए हम क्या लें, more important than girls। तो ये पूरा सेंटेंस है, मोस्ट पेरेंट्स especially those who are illiterate and poor consider boys more important than girls. अगर देखिए, girls live with little lesser of everything. अब लड़कियां जो उनको कम से कम, घरों में आप लोग को भी देखा है, बहन भाई भी होता है तो ज्यादा करके माता पिता बेटों को ज्यादा देते हैं, लड़कियों को कम देते हैं, तो उसको ने क्या किया, गर्ल्स लिव इन लिटल, जो थोड़ा मोटा होता है उसी में बहुत कम देते हैं उनको, ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज में उनको कमी पेशी आती है। नेक्स्ट वन इज गर्ल्स लिव विद लिटल लेस ऑफ एवरीथिंग। वी हैव सीन दैट इन आवर होम्स आल्सो, इफ दे आर वन बॉय एंड वन गर्ल, वन डॉटर एंड वन सन, दे प्रेफर बॉय मोर देन द गर्ल, गिव ईच एंड एवरीथिंग टू द बॉय, बट फॉर द गर्ल्स दे विल से वेट, वी विल डू इट फॉर यू नेक्स्ट टाइम। सो दिस थिंग इज गोइंग ऑन, गर्ल्स लिव विद little, very little thing of everything, whatever they want they will get little, fewest girls are sent to school than boys. Now then over here, instead of boys, girls are very few that go to school, so what they will, they get
few fewer fewers. Now here we are then. Then we will put fewer. Fewer girls are sent to school than boys because then is over there. अब आगे देखिए fewer है. Girls are sent to school than boys. लड़कों से जो है कम ही लड़कियां को स्कूल भेजा जाता है तो उसमें then आगे इसलिए हमने यहाँ पे fewer डाल दिया. They get poorest medical aid. अब उनको क्या है बहुत कम poor मीन गरीबी नहीं है कम बहुत ज्यादा कम उनको मेडिकल की जो सुविधा भी होती है जो मेडिकल की होती है वो भी कम मिलती है इनको लड़कियों को. दे गेट पुअर खाली एक ही है तो यहाँ पे पुअर आ जाएगा. दे गेट पुअर मेडिकल एड कौन लड़कियों को. नाउ हियर इज दे गेट पुअर मेडिकल एड फॉर गर्ल्स द मेडिकल एड इज ऑल्सो वेरी लेस. सो इट डजंट मीन दैट ही इज पुअर ही हैज नो मनी और व्हाट इन लेस वी विल से दे गेट पुअर मेडिकल एड. Boys get much more many nutritious food than girls. Now for boys and girls when they are giving the food even they will say this is good for boys and this is good for girls. So there is also they compare with the girls and the boys. So what they give boys get more because then is over there more nutritious food than girls. अब आगे देखिए boys get many more much nutritious food than girls. कहते ना अब जब भोजन भी देते हैं तब भी कहते हैं कि लड़के को ज्यादा ताकत होनी चाहिए उसको ये nutritious food दो लड़की को क्या है तुम्हें घर में ही रहना है तो compare वहां पे भी करते हैं. तो उन्होंने क्या कहा कि लड़कों को लड़कियों से ज्यादा अच्छा खाना पौष्टिक जो खाना है वो मिलता है तो क्या आएगा boys get more क्योंकि then आ गया than girls. Then के लिए हमारा more आएगा more nutritious food than girls. They are allowed most many time to play. अब उन्होंने क्या कि लड़कों को खेलने के लिए भी ज़्यादा time मिलता है more many most. तो इसमें they are allowed more time to play. लड़कों को ज़्यादा time भी खेलने को मिलता है. Now next sentence they are allowed more most many time to play. So the boys get the even to play for the time they are considered to be get much time more time to play. So here they are allowed more time to play. So much more girls than boys die prematurely. That's why they will see whether it is a girl or boy. If it is a boy, girl they will say abolish them and for the girl boys they will say yes it is correct. So mostly who die girls in more number who die girls die. So they say more girls than boys die in prematurity. अब क्या था अंत में ये है कि लड़कियों से ज्यादा मरती हैं लड़कों से कम गिनती में लड़कियां ज्यादा मरती हैं लड़के कम मरते हैं. क्यों जब भी कोई होती है तो बच्चे कोई पहले वो देख लेते हैं ये लड़का होगा लड़की होगी. अगर लड़की होगी कहते हैं अबॉलिश करा दो भाई इसको खत्म करो इसको और अगर लड़का है तो ठीक है. तो उसी हिसाब से ज्यादा मृत्यु किसकी होती है लड़कियों की होती है क्योंकि वो जब होते हैं पेट में ही लड़कियों तो इनको मारने की कोशिश करते हैं. सो More girls than boys die prematurely. इसलिए लड़कियां ज्यादा मरती हैं लड़के कम मरते हैं. तो ये दो पैराग्राफ थे चूज करके डालना जो ठीक है और एक है तीन ऑप्शन दिए उसमें से चूज करके डालना वो करना है. कल भी हमने किया आज दोबारा मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है. उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी मज़ा भी आया होगा देखकर कुछ समझ का जो नहीं पड़ा वो आज आपको समझ आनी शुरू हो गया. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो अच्छा लगा है कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए. सो आई थिंक व्हाट आई हैव टेकन टुडे टू पैराग्राफ जस्ट यू आल्सो वी हैव डन इट दिस इज द प्रैक्टिकल वर्क आई एम डूइंग विद यू. सो व्हाट लेस ऑन मोर व्हाट यू हैव लर्न टुडे एंड एंजॉय इफ यू एंजॉय इट एंड लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट शेयर इट कमेंट इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.